everyone, my name is Shruti Verma and welcome to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, हमारी आज की वीडियो जो है वो रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम जो वीडियो करने वाले हैं ये बेसिकली एक इंटरव्यू वीडियो है, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक कैंडिडेट से जो कि आप ही की तरह कैंडिडेट थे, जिन्होंने मास्टर्स अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है एंड साथ में मास्टर्स के लास्ट ईयर में ही उन्होंने जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था वो उन्होंने जेआरएफ के साथ में क्लियर किया हुआ है. सो इसी वजह से आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उनसे हम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आज हम देखने वाले हैं. पूरा हम देखेंगे कि उन्होंने पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए कौन कौन से बुक्स को रिफर किया था, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स थी जहां से उन्होंने अपनी पूरी स्टेप अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी, सारे के सारे उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे एंड साथ में उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन रहता है उसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो करी हुई थी. ठीक है, सो इस वजह से पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आज हम ओवरऑल देखने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करी थी. एंड अभी मैं आपको उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ठीक है, सो जिनका इंटरव्यू आज हम करने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद हमजा एंड इन्होंने जो अपना मास्टर्स किया हुआ है वो उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी से है एंड साथ में उनके मास्टर्स के लास्ट ईयर में ही उन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया हुआ है. ठीक है, सो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हमजा से एंड पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उनसे जानते हैं. First of all, I would like to welcome Mohammed Hamza and thank you so much for joining us. And first of all, congratulations for your success. So, अभी आपको कैसा लग रहा है नेट जेआरएफ क्लियर करके? Well, I am overwhelmed, but सबसे ज्यादा तो मुझे जो अच्छा लगा था वो मेरी मॉम का रिएक्शन था. मतलब मेरा मन करता है बार बार मॉम वो रिएक्शन रिपीट हो. ऑब्वियसली एक ही बार होता है, लेकिन हाँ और बहुत अच्छा लगा. लेकिन मेरी मदर का जो रिएक्शन था वो सबसे ज्यादा अच्छा था. ओके, सो आपका मतलब अभी जेआरएफ क्लियर हो चुका है तो इसके बाद में आपने क्या सोचा है, मतलब डेफिनेटली पीएचडी. ओके, सो पीएचडी आपने कहाँ से करना है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी या सच? आई एम एमिंग फॉर जीएफएसयू, बट लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर फ्यूचर. एंड एक सबसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आपका जो बैचलर्स था वो किस सब्जेक्ट से? इट वाज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देन आई ड्रॉप्ड मैथमेटिक्स इन लास्ट ईयर. ओके, मतलब आपका फॉरेंसिक साइंस से कोई भी रिलेशन नहीं था मास्टर्स से पहले? मास्टर्स में आपने कैसे किया है? ठीक है, तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि उन्होंने मास्टर्स फॉरेंसिक ले रहे हैं एंड बैचलर्स में उनका फॉरेंसिक से कोई भी लेना देना नहीं था, उनको कुछ पता भी नहीं था, तो उनको रहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, समझ में नहीं आएगा, इस तरह से काफी सारी चीजें होती हैं. तो आपका अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं तो आपको किस तरह से मतलब कुछ डिफिकल्टीज वगैरह फेस करनी पड़ी इस तरह से कुछ? बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई थी, क्योंकि मास्टर्स जो था वो बहुत ज्यादा इजी था कंपेयर टू माय प्रीवियस एजुकेशन, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन कोर साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज. सो मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस जो है इट्स अ प्योर अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट. तो अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं बिकॉज़ यू आर एबल टू विजुलाइज इट एंड अप्लाई इट इन रियल लाइफ. ओके, सो जैसे कि आपने प्रिपरेशन के टाइम पर आपने कौन-कौन सी वो डिफिकल्टीज थी जो बेसिकली फेस करी? सी, मेजर डिफिकल्टी ये है कि नेट के पैटर्न से ओरिएंटेड फॉरेंसिक साइंस का कोई कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. एक बुक आती है अनुज सिंगला करके, बट इट्स नॉट वेरी गुड, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं, काफी मिस्टेक्स हैं, काफी एरर्स हैं. तो एक ऑर्गेनाइज्ड कोई बुक नहीं एग्जिस्ट करती है, जैसे नीट की एक कंपाइल्ड बुक एग्जिस्ट करती है, उस तरीके की कोई कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक्स एंड मेक योर ओन कंटेंट. ओके, सो आपने वो कौन-कौन सी बुक्स थी जो रेफर करी थी पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए? पेपर टू की प्रिपरेशन के लिए वैसे तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन मेरी उसमें से फेवरेट थी रिव्यू ऑफ फॉरेंसिक साइंस, गौतम विश्वास की एक बुक है. और वो काफी छोटे छोटे जो कई सारे यूनिट्स हैं नेट के वो कवर कर लेती है काफी ज्यादा. और उसके बाद डीएनए की बटलर ऑब्वियसली, और एक बुक है टेक्निक्स ऑफ क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन बाय फिशर एंड फिशर, टॉम वॉर्लो इज फॉर बैलिस्टिक्स. So these were the some of the books I considered out of many. Okay. और इसके अलावा especially मतलब instrumentation के लिए कौन सी आपने book refer करी थी? Instrumentation is that chapter which you will not find anywhere properly compiled.
एक ऑनलाइन पोर्टल है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, ईपीजी पाठशाला, सभी जानते होंगे उसके बारे में. मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन का कंटेंट हम गैदर कर पाए थे तो मैंने वहीं से किया था गैदर. ओके, सो बुक्स के अलावा वो कौन कौन सी वेबसाइट्स थी जो आपने फॉलो करी? ईपीजी पाठशाला फॉलो करी थी, वैसे इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट और मैंने शुरुआत वहीं से करी थी अपने नोट्स बनाने की. ओके, सो जैसे कि आपने इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करी, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर हम उसको नहीं पढ़ते हैं पूरी तरह से तो नेट क्लियर नहीं होगा, नेट क्या जायज क्लियर नहीं होगा. सो क्या मतलब ये रियलिटी है या नहीं है? हाँ, वेटेज तो उसका काफी रहता है, डेफिनेटली काफी वेटेज रहता है उसका, लेकिन assertion reasoning type के उसमें questions आते हैं instrumentation में कुछ, तो वो that require like quite deep knowledge. लेकिन उसके अलावा जो थोड़े से theory based question होते हैं, जैसे कि they ask about components of those instruments, ठीक है, they ask about what they do, where are they used. So in that case, जो content है EPG पाठशाला का या online per instrument अगर आप Google से search कर लें तो आपको थ्योरी थोड़ा बहुत जिस्ट मिल जाता है. हाँ, assertion reasoning में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें भी हुई थी, नहीं आंसर हम कर पाए थे क्योंकि वही चीज है, बहुत ज्यादा थरली नहीं पढ़ सकते उसको क्योंकि कहीं कोई बुक एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, सो जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन बहुत ज्यादा डीप रहता है क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़े तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं, सारे नहीं दे सकते. अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोच के जाएं कि अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन स्किप कर दें एंड बाकी का बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं जीआर? हाँ, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा स्किप ना करिए, उसकी जिस्ट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप थ्योरी क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सके जो सिंपल होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा डीपली पढ़ना उतना पॉसिबल भी नहीं क्योंकि वो एक अलग से एक सब्जेक्ट ही हो जाता है, बहुत ज्यादा अलग हो जाता है वो. ओके, ठीक है. सो पेपर टू तो हमारा हो गया, पेपर वन की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि टू टू थ्री मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड स्पेशली पेपर टू को वो फोकस करते हैं, पेपर वन को उतना ध्यान नहीं देते हैं. तो अगर हम पेपर वन को उतना ध्यान नहीं देते हैं तो क्या उस कंडीशन में हमारा क्लियर हो सकता है जेआरएफ? नहीं, जेआरएफ नहीं क्लियर हो पाएगा अगर आप पेपर वन पे फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज पेपर वन ही होता है जो आपको बाकी क्राउड से थोड़ा सा ऊपर ले जाता है. वैसे जो उसके रिसर्च के और टीचिंग के और इन सब के जो थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए तो केवीएस मदान एक बुक आती है. वही मैंने कंसिडर करी थी, बट मैथ्स और रीजनिंग का एक्चुअली मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, वो मेरी प्रीवियस प्रिपरेशन है एग्जाम्स की, कैट वगैरह की, तो उस वजह से आई डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड अपॉन इट. ओके, सो मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट तो आता भी नहीं है, तो उसके लिए आप यूट्यूब को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं मैथ्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो वो क्या उतना ज्यादा मतलब जरूरी होते हैं अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो? वो इम्पोर्टेंट काफी है, बिकॉज सी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया लगेगा, और जब आपको क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया लगेगा तो आप बुक से अपने मतलब का कंटेंट फिल्टर आउट कर पाओगे. ओके, सो आपने कितने ईयर तक की जो क्वेश्चन पेपर्स थे प्रीवियस तो आपने स्टडी करे थे? Easily तो इंटरनेट पे 2016 तक के ही अवेलेबल है आई गेस, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन हो गया था. ओके, तो मुझे तो 2016 तक के ही मिल पाए थे, 2009 से लेके 2016 तक के मिल पाए थे. ओके, ठीक है. सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आपने उनको किस तरह से पढ़ा था, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है मैं सोने से पहले अपने फोन पे खोलता था रात में और फिर क्वेश्चंस पढ़ता था, तो जो क्वेश्चन आता था वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन नहीं आता था फिर मैं उस क्वेश्चन का पूरा टॉपिक पढ़ता था. ओके, सो जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्होंने उनका आंसर देख लिया, तो क्या इतना सफिशिएंट है कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देख लिया एंड देन ओके? सी अगर आपको एकदम क्लियर कट वो चीजें पता है, आपको टॉपिक आता है, आपको आंसर आता है तो ठीक है, बट अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता है, वो उसका आंसर नहीं आता है, तो बेटर होगा कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे बेस्ड है आप पूरा का पूरा वो टॉपिक एक बार पढ़ लो, फोन से ही पढ़ लो, खाली कहीं छोटा सा पढ़ लो लेकिन पढ़ लो.
ओके ठीक है। सो जो जैसे हर एक क्वेश्चन में फोर ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से कोई एक आंसर होता है, तो उसमें से क्या बाकी के सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में थोरोली स्टडी रिक्वायर्ड है कि नहीं है? एज आई सेड, उस पूरे क्वेश्चन का टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था राइफलिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ था शायद, तो उसमें चार ऑप्शंस थे जिसमें एक कोई था कि ये शायद राइफलिंग टेक्निक होती है या ऐसे कुछ क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई वाज अ लिटिल बिट अनअवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई वेंट थ्रू ऑल होल चैप्टर ऑफ राइफलिंग टेक्निक्स। सो जैसे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो वहां पर क्या रहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टू द पॉइंट उनके आंसर्स होते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उनके लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा सा सोच के आप आंसर कर सकते हैं, तो क्या आपकी भी टेक्निक अप्लाई हुई थी आपके एग्जाम में? हाँ बिल्कुल होती है, जो लास्ट में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, 99th या 100th क्वेश्चन होता है वो पेपर टू का, सो उसमें तो थोड़ा सा थिंकिंग लगती है। वैसे इस बार का तो काफी इजी आया था, कुछ खास थिंकिंग नहीं लगी थी, बट इससे पहले एक क्राइम सीन दिया गया था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, तो उसमें थोड़ा सा थिंकिंग लगती है। ओके, टू पैसेजेस आते हैं आपके एग्जाम्स में लास्ट में रहते हैं, 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली रहते हैं वो। ओके सो जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आई होगी, तो मतलब फॉर्म की नोटिफिकेशन आई होगी, तो उससे पहले आपने कितना टाइम पहले आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? अगर बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा करके तो आई एम प्रिपेयरिंग सिंस सेमेस्टर टू। बट थर प्रिपरेशन आई बिगन इन अराउंड जनवरी 2020। ओके सो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आई उसके बाद में वो सोचते हैं कि 3 मंथ तक हम प्रिपरेशन कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा, तो क्या ये सच में हो सकता है या फिर सिर्फ कहने की बातें होती है? हो सकता है, बट उसके लिए फिर बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा स्टूडेंट्स को अपनी कंसिस्टेंसी के लिए। सी हम बिल्कुल बहुत इनकंसिस्टेंट है, आई कांट कैरी ऑन द फ्लो, सो आई इट टेक्स टाइम फॉर मी टू एटलीस्ट कवर अप। ओके ठीक है। सो जैसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन में अप्रोक्सीमेटली पर डे के अकॉर्डिंग में पूछूं तो आपने कितना टाइम दे दिया? पर डे एज सच तो आई कांट टेल, बिकॉज लाइक सम डे आई डिड फॉर 2 hours, and that for 2-3 days there was a long gap, and then 4th day I did something, but jab continuous preparation jo hui thi meri exam se about 1.5 months pehle, to usme to matlab like I was in a do or die situation, to I was investing around 5 to 6 or 7-8 hours per day. सो जैसे कि काफी सारे लोग प्रिपरेशन करते करते उनको डीमोटिवेशन होने लगता है कि अभी मेरे से हो नहीं रहा है या इस तरह से, और इस बार तो लॉकडाउन भी हो गया था तो उस टाइम पे लोगों ने और सोचा था कि पता नहीं एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, तो काफी सारी कंडीशंस रही थी, तो उस टाइम पर आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा था कि एक्चुअली लॉकडाउन वॉज द थिंग जो दैट हेल्प मी, बिकॉज कोई काम ऐसा था नहीं घर पे करने के लिए, एंड डिफिकल्टी तब होती है व्हेन यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट, बट मेरे साथ ये कि आई रियली एंजॉय स्टडीइंग इट, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, मैं बहुत मजा आती है पढ़ने में, तो मेरे लिए ऐसा डीमोटिवेशन का कोई फैक्टर था नहीं, और क्योंकि लॉकडाउन था तो वैसे भी करते क्या, कहीं जाना वाना था नहीं, तो दिन भर घर पे बैठे बैठे इंसान कितना फोन चला लेगा या कितना कुछ चला लेगा, तो पढ़ते ही रहते थे, तो लॉकडाउन वॉज अ मेजर फैक्टर आई वुड से दैट हेल्प मी टू क्लियर योर इफ। ओके सो बेसिकली लॉकडाउन ने बहुत ही अच्छा आपको एक प्रिपरेशन का टाइम दे सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा टाइम दिया मुझे, बहुत अच्छा। ओके ठीक है। सो अगर हम बात करें आपके क्लास नोट्स की, जैसे कि आपने अपने मास्टर्स के टाइम पर खुद से बनाए होंगे या आपके टीचर्स ने आपको कुछ प्रोवाइड करे होंगे, तो उन नोट्स ने आपको कितना हेल्प किया? My class notes are really, really a mess. कोई कुछ पेपर पे कहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई कुछ पेपर पे लिखा हुआ है, किसी से मांग के लिखा हुआ है, तो they are a mess. But हाँ, obviously I have some things. तो lockdown में जैसे मैंने कहा कि मेरे पास time काफी था, तो मैंने अपने class notes को organize कर लिया एक जगह पे थोड़ा सा, और बाकी क्लास नोट्स में तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेरे जो सेल्फ नोट जो हमने नेट के लिए बनाए थे, दैट ओनली हेल्प मी, और जो नेट के लिए पढ़ते थे दो दैट माय ओन नोट्स हेल्प मी इन द क्लास एज वेल। ओके सो जो आपके नोट्स थे वो आपने किस तरह से प्रिपेयर करे थे, मतलब कुछ आप आइडिया देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से? हाँ सी आई रीड द बुक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू द लास्ट ईयर पेपर्स,
सो आई गॉट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है एंड किस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. लाइक बिकॉज ये एमसीक्यू होता है तो यू हैव टू फोकस ऑन नेम्स, कंपोनेंट्स, टेस्ट्स, केमिकल्स, रिजल्ट्स, दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. यू आर गेटिंग इट राइट? एंड फिगर्स, स्टैट्स, कितना परसेंट, कितना सेंटीमीटर, तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं लर्न अप करने के लिए. तो आई वेंट थ्रू द पेपर्स, आई गॉट एन आइडिया कि पैटर्न कैसा होता है. देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, बिकॉज सी बुक्स का कोई वो नहीं होता है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है. तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, और बुक्स में से फिर मैं फिल्टर आउट करता था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स जो कि आ सकते हैं. तो उससे बड़ी बड़ी बुक्स थी लेकिन मेरा नेट का कंटेंट कवर हो गया इनके उनके 1/10 पार्ट में, यू कैन से. सो दैट सो जैसे कि आपने अपने नोट्स तो बना लिए थे, लेकिन एग्जाम टाइम पे हमको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सो उससे पहले आपने कितना टाइम पहले आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था पूरी प्रिपरेशन के बाद में? 15 days. सो जो आपका रिवीजन था वो वही आपके नोट्स या फिर आपने अलग से बिल्कुल कुछ शॉर्ट में बनाया था? बस नोट्स, दैट्स इट. ठीक है. सो जैसे कि ये आपका अटेम्प्ट कौन सा वाला है, मतलब जो आपने मास्टर्स किया हुआ था, तो आपने ये वाला जो जिसमें आपका क्लियर हुआ है जेआरएफ, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? वैसे तो थर्ड था बट काउंट इज द सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पेपर में तो हम खाली घूमने गए थे कि होता क्या है देखें. आइडिया लेने. ठीक है. सो इससे पहले आपका जो फर्स्ट मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट कहेंगे, तो इससे पहले जो आपने दिया था तो वहां पर आपका नेट क्लियर हुआ था? 1% से मेरा नेट रुका था. ठीक है. सो मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही इसको कह सकते हैं एक तरह से, बिकॉज आपने लास्ट ईयर में ही आप एलिजिबल होते हैं आपने, तो आपका ये मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर ही था एंड आपने क्लियर कर लिया. हाँ, to comfort myself, I can say that. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज थी एंड आपको अंदर से ही बहुत अच्छा ही लगा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं करते रहते हैं लेकिन नहीं होता है. सो इस तरह से काफी सारे स्टूडेंट्स और भी देखे हैं जो करते तो हैं लेकिन उनके अंदर डीमोटिवेशन आने लगता है, तो चाहते हुए भी उनका हो नहीं पाता है. जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन. बहुत बीच में बहुत ब्रेकडाउन्स होते हैं. और इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि इसमें तो जॉब ही नहीं है, तो इसमें परसू करके आगे करेंगे क्या, तो इस वजह से भी काफी सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं बीच में ही, कुछ और अपना देख लेते हैं. तो जी जी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप जहां भी थैंक जाएंगे यू सो मच. आपकी जॉब बहुत जल्दी ही आपके लैब में लग जाए, फ्रेंड्स साइंस लैब में. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी.